जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है सेना। छिपकर हमला करने वाले आतंकियों का होगा सफाया। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑफिसर्स के मुताबिक आतंकियों को गुफाओं और पहाड़ों से उखाड़ने के लिए कई प्लान तैयार किए गए हैं और इसका रिजल्ट जल्द ही लोगों को देखने को भी मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का प्रभुत्व बढ़ने के कारण आतंकी संगठन घटनाओं को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसके चलते आतंकी प्राकृतिक गुफाओं, पहाड़ों और जंगलों में छिपकर हमले कर रहे हैं और आतंकी वारदात के बाद भागने में भी कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने नई स्ट्रेटजी तैयार की है और कई एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकियों को जड़ से उखाड़ने के लिए काम भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों के अधिकतर प्लानों को फेल किया जा रहा है। यही वजह है कि आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में इस समय 91 आतंकी एक्टिव हैं, जिसमें से करीब 70 पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं, जबकि 21 लोकल आतंकी हैं। वैसे साल 2022 में टोटल 135 आतंकी एक्टिव थे, जिनकी संख्या घटकर अब 91 हो गई है और ये सब हमारे सुरक्षा बलों का ही कमाल है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इन आतंकियों द्वारा स्थानीय युवाओं को अपने ग्रुप में भर्ती करने के लिए भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों की सक्रियता के कारण उनकी ये मुहिम कमजोर पड़ रही है। पिछले कुछ महीनों में आतंकवादी जम्मू कश्मीर के रजौरी क्षेत्र में कई बार भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन इसका जवाब समय समय पर भारतीय सेना द्वारा उनको दिया गया है। दोस्तों, साल 2018 में जम्मू कश्मीर में इसी प्रकार की 228 घटनाएं हुई थी। वहीं साल 2023 में इनकी संख्या घटकर 44 रह गई है। इसके साथ ही 2018 में कुल 190 मुठभेड़ हुई थी, वहीं 2023 में 48 मुठभेड़ हुई है। इसके बाद अगर बात करें पत्थरबाजी की, तो साल 2018 में 1221 घटनाएं पत्थरबाजी की हुई थी, लेकिन साल 2023 में इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। संगठित हड़ताल जो 2018 में 52 थी, वो 2023 में 0 हो गई है और ये सब हमारे सुरक्षा बलों का ही कमाल है। वैसे सोर्सेज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल भी लगातार अपनी स्ट्रेटजी बदल कर आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। पहाड़ों और जंगलों में लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करके तकनीक के तालमेल के साथ सटीक इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है, जिससे कि आतंकियों को आसानी से पकड़ा जा सके। अगर साफ शब्दों में बात करें तो करंट में कुछ बीते सालों के मुकाबले आतंकी घटनाओं में कमी आई है, जिसकी मुख्य वजह ये भी है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को पावर और सेल्फ डिसीजन की छूट मिली है। वैसे आने वाले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म पहले के मुकाबले नाक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।